और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है, चेन्नई में आर्म स्ट्रांग की धारदार हथियार से हत्या की गई। बड़ी खबर, पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है पुलिस। यह बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आपको बता दें कि तमिलनाडु से जहां पर बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, चेन्नई में आर्म स्ट्रांग की धारदार हथियार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले की हालांकि जांच पड़ताल करने में जुट गई है पुलिस। तस्वीरें आपके सामने, बड़ी खबर, बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यासिर मुश्ताक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यासिर, पूरी जानकारी क्या है, ये आखिर एक हाई प्रोफाइल मर्डर, ये बड़ी एक तरह से लापरवाही की बड़ी खबर है कि आखिर ये इस घटना को अंजाम कैसे दी गई है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 7 बजे जो है कि आम देखिए जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु में, वो अपने घर के बाहर ही अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी समय जो है अचानक 6 अज्ञात लोग वहां पर पहुंचे हैं दोपहिया वाहनों पर और 3,000 हथियारों से हमला कर लेते हैं के आर्म, जब तक उनके साथी उनको बचाने की कोशिश करते तब तक वहां से जो हमलावर है वो फरार हो जाते हैं और तुरंत उनके घर वाले भी बाहर निकलते हैं और वहां पर देख रहे हैं कि काफी खून बह रहा था आर्म शरीर से, तो तुरंत उन्हें अस्पताल लिया गया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर से कहा कि उनकी मौत पहले ही होगी और मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और 10 टीमों का गठन किया गया है जो इस समय हमलावरों को ढूंढने में लगी हुई है। फुटेज खंगाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग जो है पीछे वकील भी है और 2006 में उन्होंने जो है चेन्नई में चुनाव भी जीता था काउंसलर का और 2007 में भी उन्हें जो है बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2011 में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। यासिर बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी लापरवाही क्योंकि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी आखिर क्या उसमें चूक हुई थी, आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है, चेन्नई में आर्म स्ट्रांग की धारदार हथियार से हत्या की गई। बड़ी खबर, पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आपको बता दें कि तमिलनाडु से जहां पर बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, चेन्नई में आर्म स्ट्रांग की धारदार हथियार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले की हालांकि जांच पड़ताल करने में जुट गई है पुलिस। तस्वीरें आपके सामने, बड़ी खबर, बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यासिर मुश्ताक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यासिर, पूरी जानकारी क्या है, ये आखिर एक हाई प्रोफाइल मर्डर, ये बड़ी एक तरह से लापरवाही की बड़ी खबर है कि आखिर ये इस घटना को अंजाम कैसे दी गई है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 7 बजे जो है कि आम देखिए जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु में, वो अपने घर के बाहर ही अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी समय जो है अचानक 6 अज्ञात लोग वहां पर पहुंचते हैं दोपहिया वाहनों पर और 3,000 हथियारों से हमला कर लेते हैं के आर्म, जब तक उनके साथी उनको बचाने की कोशिश करते तब तक वहां से जो हमलावर है वो फरार हो जाते हैं और तुरंत उनके घर वाले भी बाहर निकलते हैं और वहां पर देख रहे हैं कि काफी खून बह रहा था आर्म शरीर से, तो तुरंत उन्हें अस्पताल लिया गया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर से कहा कि उनकी मौत पहले ही होगी और मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और 10 टीमों का गठन किया गया है जो इस समय हमलावरों को ढूंढने में लगी हुई है। फुटेज खंगाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग जो है पीछे वकील भी है और 2006 में उन्होंने जो है चेन्नई में चुनाव भी जीता था काउंसलर का और 2007 में भी उन्हें जो है बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2011 में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। यासिर बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी लापरवाही क्योंकि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी आखिर क्या उसमें चूक हुई।